हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कि लेसन वन का है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर एक ही मत गिनिएगा, मत पढ़िएगा, पर 31.41 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब 10^-6 आवेश है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करें। मीन्स आपको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बट्टा क्षेत्रफल होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग पर आवेश के परिमाण को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मीन्स आपको पृष्ठ घनत्व का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको दो चीज का मान ज्ञात करना होगा, एक क्यू का और एक ए का। क्यू मतलब आवेश, तो आवेश यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, आवेश हल, आवेश क्या दे रखा है आपके पास, आवेश बराबर 31.41 माइक्रोकुलम। ठीक है, माइक्रोकुलम में माइक्रो को हम लोग को कुलाम में चेंज करना होगा, तो 31.41 गुणे 10^-6 कुलाम, ये हमारा कुल आवेश निकल गया। अब त्रिज्या दे रखा है गोले की, गोले की त्रिज्या दे रखा है, तो आपको पता है गोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। जबकि हम लोग जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कुलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। मैं सबको यहाँ मीटर करना जरूरी होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5/100 या 5×10^-2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपका ये हो गया, मीटर में चेंज हो गया। मीन्स आपके पास आर भी ज्ञात हो गया, आवेश भी ज्ञात हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका है, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr² 4π का मान यहाँ पर हम लोग देखिए 31.41 है, मीन्स 3.14 से मिल रहा है, तो 3.14 रखेंगे। R का मान यहाँ पर कितना है, 5×10^-2 दो बार लिख देंगे, 5×10^-2 यहाँ दिख नहीं रहेगा, दिख जाएगा, दो बार लिख दिया गया, इसी चीज को दो बार लिख दिया गया। ठीक है, तब हमारे पास इसलिए पृष्ठ घनत्व, अब जब हमने सब ज्ञात कर लिया है तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। क्यू का मान आपके पास कितना है, 31.41×10^-6 / 4×3.14×5×10^-2×5×10^-2। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें 3.14 एक बार में और ये 10 बार में कट जाएगा, 3.14 और 31.41 के, तो दोनों लगभग 6 में, तो लगभग 10 बार में कट गया। कितना आया, 10×10^-6 / 4×5×20×100 गुणा कर दिया गया, और × 10^-2 कितना हो जाएगा, 10^-4। 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से इसको अगर काटेंगे तो भाग में घाते घटती है, -4 में से ये जाएगा, तो 10^-2 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2/10, ये भी बट्टा में है, तो हो जाएगा 10^-3 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। यही हमारे पास किसका मान हो जाएगा, सिग्मा का मान हो गया। अगर इसी को अगर हम लोग माइक्रो कुलाम में चेंज करें तो एक कुलाम में 10^6 माइक्रो कुलाम होगा, तो 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1000, -3 है, 6 से करेंगे तो +3 आ जाएगा, 1000 माइक्रो कुलाम पर मीटर स्क्वायर। बट ये रेयर केस में ये आपका वो रहेगा, आंसर में आंसर आपका यहीं पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इतने पे आंसर आप छोड़ दीजिएगा।